हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वाटरमेलन का जूस। बहुत ही इजी प्रोसेस है, कम टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा काटने का ज़रूरत नहीं, इसका बीज निकालने का ज़रूरत नहीं। बहुत ही कम टाइम में ये जूस बना के रेडी कर सकते हैं हम। नमस्ते, आप सबका स्वागत है तितली फूड्स में। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाटरमेलन का जूस, बहुत ही रिफ्रेशिंग। चलो इसको कम टाइम में कैसे बनाते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक तरबूज लिया है। तरबूज को हमने दो टुकड़े में काट दिया है, ये देख रहे हो मैंने काट दिया। देखिए कलर कितना शानदार है। अभी एक चम्मच से तरबूज का पल्प निकालेंगे। अभी ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा निकाल दिया है। आप लोग भी ऐसे निकाल सकते हो, बहुत ही इजी होता है निकालना। आप एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करना। ये देखिए हमने सारा पल्प निकाल दिया है। अभी इसको एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। इसी प्रोसेस में इसका बीज को हम अलग कर देंगे। फिर इसको थोड़ा सा ग्राइंडिंग कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है ग्राइंडिंग। अभी ये देखिए हमारा ग्राइंडिंग हो गया है। यहाँ पर हमने एक छलनी ले लिया है और छलनी में सारा जूस को डाल दिया है। अब छलनी से थोड़ा थोड़ा चम्मच से उसको निकाल दिया है। वाटरमेलन का जो जूस होता है बहुत ही मीठा होता है, इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारा को निकाल दिया है। अभी इसको चलो एक ग्लास में सर्व करते हैं। ये देखिए मैंने एक ग्लास में सर्व कर दिया है। अभी हमारा बहुत सारा जूस बच गया है, अभी इसको इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा। देखो कलर भी कितना शानदार आया है, ये देखिए ना मैंने डाल दिया इसमें, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। अब इसमें एक चम्मच काला नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा जूस बनके रेडी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।